आप सभी का स्वागत है हमारे द इनक्रेडिबल किचन में। आज मैं आपको कुछ अलग बनाना बता रही हूँ। देखिए, ये मैंने राई और ये बड़ी इलायची है मसाले वाली, और गोल मिर्च और लौंग, इन सभी चीज़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैंने ऑयल पहले से चढ़ा दिया था। अब ये थोड़ा सा पक जाए, ये अच्छे से कड़कड़ा गया है। मैंने इसमें डाला, ये हरी मिर्च है, लाल हो गई है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने डाला प्याज, प्याज थोड़ी बड़ी साइज में काटिएगा। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा लाल करती हूँ, इसको बस थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी महीन महीन गाजर काटा हुआ है, कतरी हुई गाजर है ये। और ये मैंने शिमला मिर्च है, इसको कद्दूकस किया हुआ है, और थोड़ी सी एक शिमला मिर्च मैंने काटा हुआ है, एक शिमला मिर्च मैंने कद्दूकस किया हुआ है। अब इन सभी को मैं आपस में मिक्स करूँगी, थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इस तरह से आप बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अब मैंने इसमें डाला ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आपको मन हो बहुत महीन महीन काट लीजिए, आपको मन हो, मैं तो ऐसे डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है जब लच्छे में दिखते हैं। तो इन सबों को डाल के मैंने अब डाला इसमें स्वाद के अनुसार नमक। ये मैंने डाला नमक। अब इनको मैं भाप लगाऊंगी, और ये थोड़ी सी मैंने स्वीट कॉर्न है, आपके पास तो डाल लीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वीट कॉर्न नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल दिया है। अब सबको आपस में अच्छे से पका देते हैं पहले। अभी बस अब मैं इसको ढक देती हूँ, 2 मिनट के लिए भाप लगाती हूँ, जिससे सारी सब्जियाँ वेजिटेबल्स गल जाए और नमक अच्छे से। चलिए अब देखते हैं। देखिए, इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका रहेगा तभी अच्छा लगेगा देखने में, और खाने में भी। ऐसा नहीं कि पूरा कच्चा ही रखिए, खाने में भी अच्छा लगे। और देखिए, ये मैंने मशरूम है, मशरूम डाला इसमें, आपके पास मशरूम हो तो डाल दीजिएगा, और मन हो तो आप सोयाबीन को महीन महीन काट के डाल दीजिएगा। सीजन है इस टाइम इन्हीं सब चीज़ का, तो इसका क्यों ना योगदान इसमें दिया जाए, और मशरूम बहुत अच्छा लगता है इस सीज़न में, हेल्दी सीज़न है, सब सब्जियां अच्छी आती हैं इस टाइम में। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डालूंगी, और पीसी मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने 2 मिर्च वैसे भी डाली हुई है, खड़ी मिर्च। और अब मैंने जो ये एक पेस्ट बनाया है, मैंने ये हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरा, इस कितनी चीज़ों को मैंने इसमें पीसा है। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने इसमें हरी धनिया, लहसुन, अदरक और जीरा पीसा हुआ है। ये बहुत जायका ला देगा, और मुझे कुछ खास डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस इसको डालिए, और आपका फर्स्ट क्लास टेस्ट वाला ये आइटम तैयार। बस अभी फिर थोड़ा सा मैं भाप लगाती हूँ, 2 मिनट के लिए फिर ढकती हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्या करना है। चलिए अब देखती हूँ क्या हाल है। हाँ, काफ़ी अच्छा, देखिए पक गया है, ये सब मिक्स हो गया है अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूंगी ये पिसी हुई गोल मिर्च, पिसी गोल मिर्च है, 1/2 चम्मच मैंने डाला है। और ये डाला मैंने भुना हुआ जीरा है, पीसा हुआ था ये, उसको डाला है। ठीक है, जीरे को हमेशा भूज के ही पीसा करिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो मैंने कद्दूकस करके रखा था शिमला मिर्च, ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें।
आपको मन हो तो ऐसे बस डाल दीजिए, मन हो तो आपका कटे डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा आ जाता है देखने में, लुक बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए किया है। है तो शिमला ही मिर्च वो भी और ये भी, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। आप दोनों तरीके से बना सकती हैं। और ये देखिए मैंने टमाटो सॉस है इसमें, कम से कम 5 टेबल स्पून टमाटो सॉस है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसको आपस में मिक्स कर दिया है, बारी बारी डाल के दिखाने से अच्छा है कि मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और मैं फ्लेम सिम रखूँगी इस टाइम। और ये देखिए 1 टेबल स्पून के अंदाज से मैंने वेनेगर डाल दिया। और देखिए सब वेजिटेबल्स आपस में मिक्स भी हो गए हैं, पक गए हैं। और मैं आपको क्या कहूँ, आप बना के खाएंगी तब समझेंगी कितना अच्छा लगता है ये। और ये देखिए मैंने कम से कम ये आधी कटोरी है दाल वाली, आधी कटोरी चावल है, इसको मैंने पका रखा हुआ है और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। बस अब देखिए तैयार हो गया है। बस एक बार इसको भी थोड़ा सा भाप लगाऊंगी कि चावल में थोड़ी और सॉफ्टनेस आ जाएगी और नमक मसाला जो भी चीज़ है इसमें आपस में मिक्स हो जाएगा। बस थोड़ा सा कम से कम 1 मिनट में भाप लगाऊंगी। अब मैं इस कद्दूकस किए हुए गाजर को डालूंगी। ये मैंने खाली इसलिए किया है कि ये दिखता है बीच बीच में रेड कलर का तो बहुत अच्छा लगता है, बस और कोई खास बात नहीं है। और अब ये मेरा रेडी हो गया है राइस मंचूरियन, बस अब सर्व करने के लिए तैयार करती हूँ। ओके, राइस मंचूरियन रेडी हो गया है। प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका मन हो तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं और चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं।